इस बार दूसरा का सेलिब्रेशन को और भी एक्साइटिंग बनाने के लिए 1920 में लगभग 9 फिल्में आ रहा है बॉक्स ऑफिस पे। दोस्तों लियो के साथ क्लैश पे कौन कौन से फिल्में हैं, चलिए जानते हैं एक इंट्रो के बाद। नंबर 1, भागवत केसरी। ये तेलुगु का अपकमिंग एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है साइलर निकीवर का डायरेक्टर आनिल रविपुदी ने, और इसमें है नंदमुरी बालकृष्ण जी, काजल अग्रवाल और श्रीलीला, और जहाँ पर डेयरिंग विलेन के अवतार में नजर आएंगे अर्जुन रामपाल, और इस फिल्म के दौरान अर्जुन का होगा तेलुगु डेब्यू। फिल्म का बजट रखा गई है 120 करोड़ और इस फिल्म को 19 अक्टूबर की जाएगा रिलीज। नंबर 2, लियो। लिस्ट पे मोस्ट हाइप अपकमिंग प्रोजेक्ट है लियो, जिसको डिट किया है नाना दादैन लोकेश कनगराज, और लियो फिल्म है लोकी यूनिवर्स का पार्ट, जहाँ पर है थलपति विजय, त्रिशा, बाबा संजय दत्त, अर्जुन सरजा जैसे कई सारे स्टार कास्ट। और पहली बार के लिए विजय वर्सेस संजय दत्त का होगा एपिक फेस ऑफ सीन। और लियो रिलीज होने से पहले ही किया है एक नया रिकॉर्ड, जहाँ पर लियो बन चुके हैं तमिल का फर्स्ट फिल्म जो प्री रिलीज रिकवरी पे 422 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसमें इंक्लूड है सैटेलाइट, डिजिटल म्यूजिक और थिएट्रिकल राइट, और एक रिकॉर्ड अमाउंट है। पता दोस्तों लियो का बजट रखा गई है 250 करोड़ और इसमें विजय का होगा एक तरफ स्वीट, दूसरी तरफ इंटेंस ब्लडी अफ्तर। और लिस्ट पे लियो एक ऐसी फिल्म है जो आसानी से 1000 करोड़ क्लब तक अपनी नाम लिखा सकते हैं। दोस्तों लियो को लेकर आप कितना एक्साइटेड है? जो फिल्म रिलीज होगा पैन इंडिया लेवल पे 19 अक्टूबर। नंबर 3, गणपत अ हीरो इज बॉर्न। ये है बॉलीवुड का अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म जिसको डायरेक्ट किया है सुपर 30 का डायरेक्टर विकास बाल ने, जहाँ पर टाइगर श्रॉफ और साथ में है बिग बी अमिताभ जी और कृति सैनन, और इस बार टाइगर को एक्सट्रीम एक्शन के साथ स्वाग बल एफ्टर में नजर आएंगे। और बॉलीवुड ट्रेड एनालिसिस का कहना है कि ये फिल्म होगा टाइगर का कैरियर में बिगेस्ट कलेक्शन देने वाला फिल्म, जहाँ पर बजट रखा गई है 200 करोड़ और ये फिल्म पैन इंडिया के लेवल पे 20 अक्टूबर होगा रिलीज। नंबर 4, टाइगर नागेश्वरा राव। ये है तेलुगु का अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर है द मस्त महाजर, रवि तेजा, अनुपम खेर, रेणु देसाई, नूपुर सनून, और इसका स्टोरी 1970s पर बेस्ड है, जहाँ पर रवि तेजा को स्टुअर्ट पुरम का डेयरिंग थीफ के रोल में नजर आएंगे, और ऑलरेडी जिसका टीजर सबको किया है शॉक्ड, स्पेशली रवि का लुक, एक्शन था काफी इंटेंस, और जिसका स्पेशल अट्रैक्शन था BGM और कलर ग्रेडिंग। पता दोस्तों इस फिल्म को रिलीज की जाएगा पैन इंडिया में 20 अक्टूबर। नंबर 5, सप्ताह सागर देचे इल्लू साइड बी। और सभी लोग जानते हैं कि इसी साल इस फिल्म का साइड ए रिलीज हुआ था, जहां पर बजट था 10 करोड़ और जो फिल्म 35 करोड़ तक कलेक्शन देकर बॉक्स ऑफिस पर रहा सुपर हिट। और इसी फिल्म का ही सेकेंड पार्ट यानी कि साइड बी इज कमिंग सून। ये कन्नड़ा का है रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जहाँ पर है राक्षी शेट्टी और रुक्मिणी वसंत, और ऑलरेडी दोनों का केमिस्ट्री साइड ए पे देखने को मिला है, और इस बार साइड बी पे रक्षित का होगा रिवेंज वाला एफ्टर, उनको एक ग्रे शेड में नजर आएंगे। और इस साइड बी के लिए फैंस के बीच में कई एक्साइटमेंट है, जो रिलीज होगा 20 अक्टूबर। नंबर 6, यारियान 2। ये बॉलीवुड का अपकमिंग कमिंग ऑफ एज रोमांटिक फिल्म है, जहाँ पर कुशला कुमार, यश दासगुप्ता और अनस्वरा रजान लीड रोल में नजर आएंगे। कजिन के बीच में इमोशन क्रेजी रिलेशनशिप को दिखाया जाएगा, और इस फिल्म को लेकर यंग जेशन के बीच में एक अलग क्रेज है, जो रिलीज होगा 20 अक्टूबर। नंबर 7, बाघा जटिन। हाँ दोस्तों, लिस्ट पे एक बंगाली फिल्म भी शामिल है, जो एक अपकमिंग बायोग्राफिकल प्योर एक्शन फिल्म है, जहाँ पर है सुपरस्टार देव, सीजय दत्त और सुदीप तब,
और इसका स्टोरी इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक फ्रीडम फाइटर बाघा जतिन पर बेस्ड होगा। और ऑलरेडी जिसका टीजर सबको किया है शॉक्ड, जिसका बजट रखा गई है 10 करोड़। और ये फिल्म बंगाली भाषाओं के साथ ही साथ हिंदी में भी रिलीज होगा। नंबर 8 घोस्ट। और ये अपकमिंग कनाडा का हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जहाँ पर सेंचुरी स्टार शिवराज कुमार, जयराम, अनुपम खेर है लीड रोल में। और इसमें शिवा का स्वाग और इंटेंस एफ्टर देखने को मिलेगा। और ये फिल्म होगा हाई वोल्टेज एक्शन फिल्म, जहाँ पर घोस्ट रिलीज होगा पैन इंडिया लेवल पे 19 अक्टूबर। नंबर 9 तेजस। और ये है बॉलीवुड का अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर कंगना रनावत लीड रोल में है। इसमें एयरफोर्स पायलट तेजस गिल जर्नी को हाईलाइट किया जाएगा और तेजस को रिलीज किया जाएगा 20 अक्टूबर। तो ये रहा लियो के साथ क्लैश पे आने वाले सारे फिल्मों का लिस्ट। तो आपको क्या लगता है, इसे क्लैश पे कौन सी फिल्म करेगा बाजीमात, कमेंट पे बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सके बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मालिश चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।